वाह भाभी, आपके तो वारे न्यारे हो रहे हैं। आपका तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है। पहले आप बिजनेस वुमन थी, फिर सासू माँ बनी, और अब दादी माँ कहलाएंगी। मैंने सोचा था इस बार मैं आपको मात दे दूंगी, मैं पहले दादी माँ बनूंगी, लेकिन क्या है ना, हर बार की तरह आप भी बाजी ले गई इस बार भी। सबर कर शीतल, सबर कर। सबर का फल मीठा होता है। क्या भाभी, फल होगा तो मीठा होगा ना। हाँ वो तो है, मैं तो हमेशा से जीतती आई हूँ, लेकिन इस बार कंपटीशन रक्षा तुम्हारे बीच में है। अब देखना ये है कि तुम दोनों में से दादी पहले कौन बनेगी। ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई। भाभी मैं अभी विक्रम से बात करती हूँ इस बारे में। हाँ। ओ प्लीज शीतल, इसमें विक्रम से बात करने की क्या जरूरत है, बात तो तुम्हें कबीर और संजना से करनी चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती और ना ही ऐसे दोस्त। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है, दोस्ती की भी, और तुमने वो सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे। हम तुम्हारी मदद के बगैर भी खुशी से जी लेंगे। रहने दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना भी जी लूंगी। प्लीज लीव मी अलोन। जाओ तुम दोनों यहां से, प्लीज। जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ, हमारा तीर सही निशाने पे लगा। हाँ ताई जी, सल्ला बुआ का भी जवाब नहीं यार। क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया उन्होंने। सालों का जोड़ एक झटके में तोड़। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने हद तक हमें कामयाबी मिलेगी, वो भी इतनी जल्दी। आखिर रिश्ते ने रिश्ते को काट ही लिया ना। एक बार रिश्ता टूट जाता है ना, तो उसे फिर जोड़ना इतना आसान नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं भाभी, कोशिश करते करते बरसों बीत जाते हैं। हाँ, और उनके हार में हमारी जीत भी तो है। वो कहते हैं ना भाभी, जो जीता वही सिकंदर।